स्वागत है आप लोगों का। आज हम सीखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली। पूरी इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सीखना होता है, क्योंकि लोगों को सिंपल नेगेटिव यस नो क्वेश्चन के वाक्य तो बहुत अच्छी तरह बनाने आते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन डब्ल्यू एच में वो गलती कर जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कौन सा वर्ड कब कहाँ कैसे यूज़ किया जाए और उसके साथ क्या वर्ड ऑर्डर रखा जाए। तो आज हम देखेंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, कितनी दूर या पास, ये सारे वर्ड हिंदी में भी आप यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में जो वर्ड्स बने हैं वो इनके लिए बने हैं व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, होम, आप ये देख सकते हैं। तो इन वर्ड्स से हम क्वेश्चन बनाते हैं डिटेल वाले। हालांकि डब्ल्यू एच के और भी क्वेश्चन होते हैं, वो एडवांस लेवल पर होते हैं, वो आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे। पहला वर्ड का क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या का मतलब हाँ या ना में जवाब नहीं देना होता। इसका मतलब क्या, आपकी एज क्या है, पोस्ट क्या है, आपके फादर क्या हैं, आपका एड्रेस क्या है, ऐसे सवालों वाले क्या के लिए व्हाट यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। नेक्स्ट है हु मतलब कौन, इसमें हम जानना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में, हु कौन है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर फादर, हु इज़ ही, हम जब भी ये सवाल करते हैं तो किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, कारण जानना चाहते हैं आप लेट क्यों हैं, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, तो ये क्यों वाले। जो ग्रामर के नियम है, सेंटेंस के नियम है, वो सेम रहते हैं, बस डब्ल्यू एच वर्ड में एक वर्ड ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, आप किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ हो या कोई काम कहाँ हो रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो वाई का मतलब हो गया सॉरी क्यों, वाई आर यू लेट, ओके, आप लेट क्यों हैं, कारण हो गया। वेयर का मतलब कहाँ, किस जगह, वेयर इज़ योर हाउस, आपका घर कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका बच्चा कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, ये सारे वेयर। उसके बाद व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, समय के बारे में आप जानना चाहते हैं, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, आपका एग्ज़ाम कब है, आप घर कब जाएंगे, आपकी शादी कब है, इस तरह से व्हेन। अगला है विच, विच मीन्स होता है कौन सा, मान लीजिए आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं या दो पेन पड़े हुए, दो कॉपी पड़ी हुई, तो कई बार पूछना पड़ता है आपकी कॉपी कौन सी है, आपका पेन कौन सा है, आपका घर कौन सा है, आपकी कार कौन सी है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा या कौन सी के लिए हम विच यूज़ करते हैं, ये पर्सन के बारे में यूज़ नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते विच इज़ योर टीचर, हालांकि ये गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हम ये हु इस्तेमाल करेंगे, हु इज़ योर टीचर, तो अपने आप वो बता देगा। विच मोस्टली वस्तुओं के साथ लगता है, जगह के साथ लगता है, जैसे विच इज़ योर हाउस, तो जगह हो गया। अगला है होम, होम और हुज, ये दो वर्ड बहुत इंडियंस बहुत कम यूज़ करते हैं, होम और हुज को। होम का मतलब होता किसको, ये पेन किसको देना है, ये फ़ोन किसको पकड़ाना है, तो होम डू यू नो, आप किसको जानते हैं, ठीक है, तो होम। अगला वर्ड है हुज, किसका, ये पेन किसका है, ये घर किसका है, तो ये हो गया हुज पेन इज़ दिस। वर्ड ऑर्डर देखिए आप, वर्ड ऑर्डर इनके क्या हैं, इनको ध्यान से देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, ये सारे 3, 3, 6 और 2, 8 के आसपास वर्ड हैं। इसकी एक लिस्ट और है जो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी, वो एडवांस लेवल की है, तो इनको सभी ये याद होनी चाहिए आपको, ताकि जब आपको जैसी ज़रूरत पड़े तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सके, और इनका इनकी हिंदी भी पता हो और सेंटेंस में किस वर्ड ऑर्डर के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको पता हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसको रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए और कुछ क्वेश्चंस बनाइए।